केरला कांग्रेस ने चंद दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया कि पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए हैं। यूजर्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकारी कर्तव्यों से रिटायर्ड हो जाएंगे। लाइव मिंट ने भी ऐसे ही दावे वाली हेडलाइन के साथ ये खबर पब्लिश की थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने आर्टिकल और हेडलाइन को चेंज कर दिया। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसी दावे को आगे बढ़ाया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इस मामले में तफ्तीश की तो पाया कि पीएम मोदी साल 2014 से इस मंडल में शामिल है। हमें साल 2014 का ये प्रेस नोट मिला, इसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सहित चार अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता इसमें शामिल हैं और राजनाथ सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक करने के लिए मार्गदर्शक मंडल में नियुक्त किया गया था। एक्स पर भी इंडिया टुडे की 2014 की इस पोस्ट में ये बात बताई गई है। इस तरह पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो इससे 2014 से ही जुड़े हुए हैं।